हुकूमत इत्तेहादियों को राम करने के लिए सरगर्म, गवर्नर सिंध की जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात। इमरान इस्माइल कहते हैं पीटीआई और जीडीए एक पेज पर हैं, डेढ़ साल की हुकूमत से 70 साल का हिसाब ना मांगे। सिंध की तकसीम हमारे मंशूर में नहीं, सदरुद्दीन राशिदी बोले हमारे होते हुए सिंध तकसीम नहीं हो सकता। दूसरी बात, जीडीए और पीटीआई दोनों जमातें बिल्कुल साथ हैं और मजबूती से साथ खड़ी हैं। सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूं कि सिंध की गैस के जायज हक के लिए मैं भरपूर सिंध के साथ दूंगा, सिंध के साथ खड़ा हूं और मैं किसी तौर पे ज्यादती नहीं होने दूंगा। और वजीर आजम का अपना भी ये ख्याल है, उन्होंने भी जो वजीर हैं उमर अयूब, उनको खास हिदायत की है कि इस पूरे मामले को दोबारा रिव्यू करके रिपोर्ट पेश करें। जीडीए हमारी बेहतरीन सियासी अलायंस में से एक अलायंस है, ख्वाहिश है कि सिंध एक है, एक था और एक रहेगा। तो हम सिंध के साथ खड़े हैं, हम सिंध के बेटे हैं, हम ऐसे कैसी बात कर सकते हैं कि हम अपने सिंध को डिवाइड करने के लिए बात करें। सिंध की तकसीम हमारे मंशूर में भी नहीं है। साफ ही भाई की ख्वाहिश है कि मैं भी जवाब दूं, तो ख्वाहिशात पे कोई रुकावट नहीं होती, मगर ये जहन में जरूर रखें कि सिंध का बंटवारा किसी कीमत पे नहीं होगा और कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है। तो ये कोई भी अगर ख्वाहिश रखता है उसको रखने दें, मगर इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में ऐसी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दें।